इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दर्दनाक सड़क हादसा नंदानगर क्षेत्र में देखने में आया है, जहां बिजली पोल लगाने के दौरान जेसीबी के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। ड्राइवर मौके से फरार है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया है। पूरा मामला इंदौर के नंदानगर गली नंबर 10 का है, जहां MPB द्वारा बिजली के खंभे लगाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान एक मजदूर अचानक जेसीबी के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम बसंत कर्मा निवासी कांटाफोड़ बताया जा रहा है। यह व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर की रिपोर्ट। पूरा नंदानगर क्षेत्र में गली नंबर 10 में विद्युत विभाग द्वारा अपने पोल के कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान एक बसंत कर्मा, जो सतवास जिला देवास का रहने वाला था, उसकी उम्र करीबन 30 वर्ष थी, जो क्रेन में गिरने से उसकी मौके पर डेथ। सर, अभी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया? प्रारंभिक जांच में भी जो काम मौके पर करवा रहा था, मैनेजर था, उसको पूछताछ के लिए लिया गया, और बाद में मर्ग जांच के उपरांत जिसके लापरवाही की पाई जाएगी उसके खिलाफ फिर प्रकरण अलग से पंजीबद्ध किया गया। ड्राइवर सर? ड्राइवर के भी मैनेजर से पूछताछ के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की। अभी मौके पर तो ड्राइवर है नहीं, मैनेजर से पूछताछ के बाद पता किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।